सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड। गाइस थंबनेल देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट अगर आपके कम हो गए हैं, स्पेशली अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर वो कम हुए हैं, तो उसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न क्या होती है, क्यों प्लेटलेट्स काउंट वायरल इन्फेक्शन के कारण कम हो जाती हैं, उसके रिगार्डिंग आप कौन कौन सी हेल्थ टिप्स को फॉलो करके अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी कर सकते हो, तो यही सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन के कारण ही ओनली प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होती हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकती हैं। यूजली जो प्लेटलेट्स काउंट हैं वो वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या फिर अगर किसी को कैमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, या फिर इसके एडियोपैथिक रीज़न ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, अगर किसी ने अपनी स्प्लीन निकलवा दी है तो भी उसको लो प्लेटलेट्स काउंट का सामना करना पड़ सकता है। लीवर डिजीज़ में भी ये प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। कई बारी अगर आपका क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो भी आपको लो प्लेटलेट्स काउंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न हैं। अब प्लेटलेट्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? तो गाइस देखिए, हमारे जो ब्लड है उसमें काफ़ी सारे सेल होते हैं, लेकिन इन सेल में जो प्लेटलेट्स हैं ये खून को जमाने का, मतलब कि जो खून का थक्का है उसको जमाने का काम करते हैं। अब उसका कारण क्या हुआ? तो देखिए, अगर हमें चोट लगती है, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको चोट लग गई और उस जख्म में से आपको ब्लड निकल रहा है, तो फिर आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो जो ब्लड है वो जमने लगता है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो अपने आप में बाइंड हो जाते हैं, क्लोट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्लोटिंग बोलते हैं, जो ब्लड जम जाता है उसको क्लोटिंग बोलते हैं, और जो ब्लड के सेल जो इस प्रोसेस को जमाने का काम करते हैं, ब्लड को रोकने का काम करते हैं, उसी को प्लेटलेट्स बोलती हैं। ठीक है, अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो बॉडी में हमारे ब्लड स्ट्रीम में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। अब ये पता कैसे चलता है? तो ये एक जांच से पता लगता है। यूजली जब कोई पेशेंट बीमार होता है, स्पेशली अगर उसको फीवर आ रहा है या फिर वीकनेस है, लिथर्जी है, और हमें लगता है कि उसको इन्फेक्शन है, तो एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है जिसे TLC DLC बोलते हैं, या फिर आजकल CBC हम लोग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो CBC में जो ब्लड सेल हैं उसी का एक रूप है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं। अब बात करें कि वायरल इन्फेक्शन में ही प्लेटलेट्स काउंट कम क्यों होते हैं। वायरल इन्फेक्शन का मतलब पहले तो जान लीजिए, वायरल इन्फेक्शन का मतलब है कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि आपको वायरस के कारण हुआ है। अब जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है, सपोज़ कीजिए कि अगर कोई वायरस, कोई ख़तरनाक वायरस मेरी बॉडी में चला गया, तो वायरस एक फॉरेन मटेरियल है, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ये मेरी बॉडी में गया तो ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस की तरह ही काम करता है, मतलब ये ब्लड में कोई हलचल नहीं करता। इसीलिए जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, मतलब जो हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो फाइटर सेल होते हैं, ये इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हमारी बॉडी में हलचल करे, चले फिरे, हमें नुकसान पहुंचाए, तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ख़त्म करने के लिए बढ़ती है। लेकिन ये एक निर्जीव नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही काम करता है और ये चलता फिरता रहता है। अब जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब ये हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल हैं उनको ये डैमेज करना शुरू करता है, उन पर कब्जा कर लेता है। जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ये उनको डैमेज करने लगता है। अब क्या होता है कि जो हमारी फाइटर सेल हैं बॉडी की, वाइट ब्लड सेल जिसे TLC बोलते हैं, तो ये क्या करती हैं, जब कोई हमारी बॉडी का ब्लड सेल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो ये वाइट ब्लड सेल उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं, मतलब खा लेती हैं। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा वायरस हमारी बॉडी में होंगे उतने ही ज़्यादा ये हमारे ब्लड सेल को ख़त्म करेंगे, डैमेज करेंगे, और फिर क्या होगा, जितने ज़्यादा जो हमारे सेल ख़राब होंगे
तो जो वाइट ब्लड सेल हैं ये उनको खा जाएंगे। तो आपने क्या देखा होगा कि जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जब वायरल इन्फेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी हमें पहले तो कुछ साइन और सिम्टम देती है, जैसे फीवर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, लिथर्जी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है, उसको खाने में टेस्ट नहीं रहता है ना, हेडेक हो जाती है, बेचैनी रहने लग जाती है। तो वायरल इन्फेक्शन में ये बॉडी आपको कुछ साइन और सिम्टम देती है कि भाई अब आप समझ जाइए आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी है और आप अपनी जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग थोड़ा अवेयर हो जाएं, ठीक है। और बॉडी इंटरनली भी काम करती है, वाइट ब्लड सेल उस जो डैमेज सेल हैं जो वायरस ने डैमेज किए हैं उनको डाइजेस्ट करती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हेल्दी सेल होते हैं वो ख़राब होते हैं, जिससे जो डैमेज सेल थे अब वो उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। तो जब हम रूटीन टेस्ट करवाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगे, आरबीसी सेल कम हो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं यूजली, है ना। तो जब वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है। अब जैसे कि मेरे पास एक सीबीसी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आपको प्लेटलेट्स काउंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्लेटलेट काउंट कई बारी PLT लिखा होता है, तो प्लेटलेट काउंट इसके 92,000 हैं इस पेशेंट के। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स काउंट कम है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो गाइस देखिए HB तो वैसे ही कम है, ठीक है, लेकिन जो टोटल WBC सेल हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, ये 2700 हैं, है ना। ऐसे ही जो RBC है, RBC सेल, वो भी कम हो गए हैं, RBC काउंट है ये भी कम है ना। तो जो वायरस है इसने क्या किया, पहले तो जाकर इसने हमारी सेल्स को डैमेज किया, फिर WBC सेल भी कम हो गए हैं, यहाँ पर RBC सेल हैं ये भी कम हो गए हैं, प्लेटलेट्स काउंट हैं ये भी कम हो गए हैं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपके वाइट ब्लड सेल भी कम हो रहे हैं सामान्य, ये जो हैं 4,000 से 11,000 तक होते हैं, ये 4,000 से 11,000 के बीच में होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सामान्य से कम है तो फिर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ साइन और सिम्टम भी होते हैं वायरल इन्फेक्शन के, तो अगर वो भी मैच करते हैं तो 101% यही होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है। स्पेसिफिक टेस्ट भी आप करवा सकते हो, जैसे आजकल हमारा कोविड चल रहा है, या फिर आपको डेंगू है तो भी, या फिर और अदर वायरल इन्फेक्शन है तो भी आप उसके रिगार्डिंग टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये तो CBC रिपोर्ट थी। ओके गाइस, तो रिपोर्ट देखकर तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप जानोगे कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है कि अदर इन्फेक्शन है, और कैसे ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में जाकर अदर सेल्स को ख़राब करता है, डैमेज करता है, और फिर वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, RBC सेल कम हो जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो गाइस देखिए सबसे पहले नंबर वन तो यही है कि आपको फीवर को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो फिर आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हो, अगर उससे नीचे है तो फिर आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हो, और अगर फीवर नॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी CBC रिपोर्ट में प्लेटलेट्स काउंट अगर कम है, बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि 20,000 से कम है, तो फिर आपको प्लेटलेट्स चढ़वाने पड़ सकते हैं, या तो SDP मतलब कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, या फिर RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, ठीक है, वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। लेकिन 20,000 या 20,000 से कम एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है और आपके प्लेटलेट्स काउंट कम है, मतलब अगर नोज़ से ब्लीडिंग है, या स्टूल से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर यूरिन पास करते टाइम आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो भी एक मेडिकल कंडीशन है, और तो इसमें भी आपको प्लेटलेट्स चढ़वाने पड़ सकती हैं, ठीक है। तीसरी नंबर की चीज़, कई बारी फीमेल्स को उनका पीरियड साइकिल आ जाता है और प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं। अब जो पीरियड्स की ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर आपको प्लेटलेट्स काउंट चढ़वाने पड़ सकते हैं, या फिर ये एक मेडिकल सिचुएशन हो सकती है,
जिसके पर्पस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन थी जहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। साथ ही अगर फीवर आपको 105 डिग्री से ज़्यादा है तो भी आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, ये भी एक मेडिकल सिचुएशन है। और जितना ज़्यादा फीवर आपको रहेगा, मतलब 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपको टेम्परेचर रहेगा और उसके रिगार्डिंग आप कोई भी स्टेप नहीं लोगे और फीवर कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो आपके प्लेटलेट्स काउंट कम ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी। अब आप कौन कौन सा ट्रीटमेंट ले सकती हो, तो देखिए यूजली आपके जो डॉक्टर हैं वही आपको ट्रीटमेंट देंगे अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हैं। यूजली डॉक्टर जो हैं वो आपको स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं या फिर आपको प्लेटलेट्स काउंट चढ़वा सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब घर पर क्या ट्रीटमेंट लें, तो देखिए अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट कम आए हैं तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, कुछ डाइट ऐसी होती है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हो, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ सकते हैं, आरबीसी सेल बढ़ सकते हैं। खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है इस सिचुएशन में। नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शन है गाइस, वो 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कई बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें आपको अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, कई बारी ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है और कई बारी केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फिर बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है और इनफैक्ट कई बारी डेथ भी हो जाती है। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब कई लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं और इस बात को आप इस चीज़ से समझिए कि जो भी चीज़ हम खाते हैं या फिर पीते हैं उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कच्चा दूध बफेलो का या फिर काऊ का आप कच्चा दूध पीते हो, ठीक है, तो फिर कभी कभार अगर आप पीते हो तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस दूध के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। जब वो आपकी स्टमक में जाते हैं तो फिर बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसलिए आपको वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमन क्रैम्पिंग हो सकती है, लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी दूध को उबाल देते हो तो फिर हाई टेम्परेचर के कारण जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं, और फिर जब आप उस दूध को पीते हो तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई फ्रेश फ्रूट खाते हो तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो फ्रूट सड़ जाता है और अगर आप फिर खाते हो तो फिर आपको स्टमक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, लूज मोशन, नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है वायरल इन्फेक्शन में। अब क्या क्या डाइट ले सकते हैं, तो गाइस देखिए सबसे नंबर वन चीज़ होती है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, मतलब पर्याप्त मात्रा में लिक्विड चीज़ों को पीना, पानी को पीना। अब उससे होगा क्या, पहले नंबर पर कि अगर आपकी बॉडी में पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो फिर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और स्वेटिंग होगी, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग होती है जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है और जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो स्किन से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। दूसरा, जब आप यूरिन पास करते हो तो भी जो भी गंदा मटेरियल होता है वो किडनी आपके ब्लड स्ट्रीम से उसको वॉश आउट कर देती है। दूसरे नंबर पर है सिट्रिक फ्रूट जूस। अब जूस को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो फिर पेशेंट की खाने पीने की रुचि नहीं रहती, इसीलिए आप जितना हो सके उनको लिक्विड डाइट ही दीजिए, पीने की चीज़ें ही दीजिए, ठीक है। अब सिट्रिक फ्रूट जूस में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, बूस्टअप करता है। साथ ही जो सिट्रिक फ्रूट जूस हैं, अब जैसे मौसमी है या फिर पाइनएप्पल है, कीवी है, अमरूद है या फिर अनार है या फिर ग्रेप्स हैं, इनमें विटामिन सी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स के अकॉर्डिंग। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेंगी, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाएंगी और रेड ब्लड सेल हैं उनको भी बढ़ाएंगी। तीसरे नंबर पर है आयरन सप्लीमेंट को लेना। आप टोफू ले सकते हो या फिर आप अनार ले सकते हो, पालक ले सकते हो,
या फिर ऐसी जो भी चीज़ें हैं, जो भी फ्रूट्स हैं या फिर जो भी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, वो आप लीजिए। उससे आपका HB बढ़ेगा, आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी। लेकिन जब आप आयरन सप्लीमेंट लें तो आपको विटामिन सी, मतलब कि सिट्रिक फ्रूट जूस को लेना ज़रूरी है, ताकि आयरन आपकी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट हो सके, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसे नॉन डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट दोनों ले सकते हैं। कोकोनट वाटर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के साथ में बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मल्टी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप कोकोनट वाटर को ले सकते हैं। साथ ही आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल सलाद है, जैसे ककड़ी है, खीरा है, या फिर आयरन के लिए और विटामिन सी के लिए आप उसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, तो सीज़न की जोन से भी सलाद की आपकी डिश अवेलेबल है, आप उसको लीजिए। लेमन जूस आप उसमें ऐड कर सकते हो, लेमन वाटर आप पी सकते हो। विटामिन सी और सिट्रिक एसिड उसमें भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करेगा। जो फर्स्ट डे होता है वायरल इन्फेक्शन का, तो उसमें आप लिक्विड डाइट ही लीजिए, क्योंकि वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है। और दूसरा है कि पेशेंट की रुचि नहीं होती है तो वो पी आराम से सकते हैं। अब कितनी क्वांटिटी में लेना है तो देखिए गाइस, जो पानी है नॉर्मल वाटर वो आप 8 से 10 गिलास ले सकते हो 24 आवर्स में। जो कोकोनट वाटर है वो 200 ml आप दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक लीजिए, आपको बेनिफिट ही देगा। जो सिट्रिक फ्रूट जूस है वो 250 ml आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए। सलाद आप नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हो, जब आप सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करोगे, और डे थर्ड पर आप घर का सिंपल खाना स्टार्ट कर सकते हो। जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस, तो फिर आप 2 दिन लिक्विड डाइट और थर्ड डे पर सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट कर सकते हो। सेमी सॉलिड डाइट में दलिया, खिचड़ी, टोस्ट, ब्रेड, डबल रोटी, ये सब होता है। तो डे सेकंड पर या डे थर्ड पर आप सेमी सॉलिड डाइट को स्टार्ट कर सकते हो, और उसके नेक्स्ट डे पर आप घर का सिंपल खाना, मतलब सॉलिड डाइट को आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम है, और वाइट ब्लड सेल गाइस अगर आपके 4000 से कम हैं, तो फिर आपको डेली CBC करवानी ही करवानी है, ताकि आप कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट को देख सको। और चैनल पर CBC पर एक ऑलरेडी वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो आई एम सॉरी, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।